नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जितना भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वन बाय वन। अभी तक दो पेपर डिस्कशन हो चुका है, जून महीना का 2012 का जो क्वेश्चन पेपर था और 2012 का जनवरी महीना का जो पेपर था उसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। और ये लेक्चर नंबर 3 है, इसमें 2012 का नवंबर महीना का जो पेडागोजी सेक्शन है पेपर 1 का उसका हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली फाउंड इन। लर्निंग डिसेबिलिटी किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया, स्पेशली दो चिल्ड्रेन होज पेरेंटल रिलेटिव हैज प्रॉब्लम, जिसका पेरेंट्स रिलेटिव का प्रॉब्लम होता है उसमें मिलता है। इन चिल्ड्रेन विद एवरेज टू सुपीरियर आईक्यू, जिसका आईक्यू एवरेज और सुपीरियर है उसमें मिलता है। ऑफन बॉयज़ एंड गर्ल्स में मिलता है, बॉयज़ में ज़्यादा गर्ल्स में नहीं, मोर रूरल में ज़्यादा मिलता है और अर्बन में नहीं मिलता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन 3, 4 तो नहीं है, ऐसे बॉयज़ गर्ल्स का कोई कंपेयर नहीं है और रूरल और अर्बन का भी कोई कंपेरिजन नहीं है यहाँ पे लर्निंग डिसबिलिटी का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, एवरेज आईक्यू का बच्चों में भी मिल सकता है और सुपीरियर में भी मिल सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 होगा और बाकी ऐसा कोई पेरेंटल रिलेटिव का ऐसा कोई रिलेशन उतना खास नहीं है लर्निंग डिसबिलिटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए चाइल्ड के नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सो एंड वाज। एक बच्चा है सो और वाज में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में नहीं कर पाता है, यानी जब पढ़ता है तो उसको प्रॉब्लम होता है, यानी डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है रीडिंग जिसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। बाकी डिसमोर्फीमिया ये किससे रिलेटेड है? ये आपका एबनॉर्मलिटी है, जो जैसे कि हम लोग का कोई अपना शरीर का कोई पार्ट जो है डिफॉर्म हो जाता है उससे रिलेटेड है, शेप और साइज जो है उसका डिफॉर्मिटी हो जाता है उससे रिलेटेड डिसमोर्फेमिया है। और बाकी यहाँ पे ऑप्शन 2 तो डिसलेक्सिया था, जिसका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे, इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप आर सेट टू बी टेक प्लेस। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में कौन सा स्टेप होता है? तो सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग होता है, यानी प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद कैटेगराइजेशन होता है यानी वर्गीकरण, ग्रुपिंग होता है यानी ऑर्डर होता है, बाद में रिस्पॉन्स सिलेक्शन होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले सी, डी, बी, उसके बाद ए, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे, गिफ्टेड स्टूडेंट किसको बोला जाता है? जिसका आईक्यू 140 प्लस होता है, जो क्रिएटिव होते हैं और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ देयर जजमेंट, अपना जजमेंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका सही आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं होगा देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ये भी गलत है। और नॉन असर्टिव होते हैं, यानी अपना फीलिंग अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन 1। आगे, क्वेश्चन नंबर 5, पार्शियल रीइन्फोर्समेंट का क्वेश्चन है। पार्शियल रीइन्फोर्समेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले इवान पेब्लॉक ने दिए थे, बाद में स्किनर का थ्योरी में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो उसके हिसाब से रीइन्फोर्समेंट का शेड्यूल होता है, दो प्रकार का शेड्यूल, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है पार्शियल। कंटिन्यूअस रीइन्फोर्समेंट और एक पार्शियल होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में रेगुलर बेसिस पे रीइन्फोर्समेंट यानी रिवार्ड मिलता है, और पार्शियल में कंटिन्यूअस नहीं मिलता है, जब कोई अच्छा काम करेगा बच्चा तो मिलता है। तो उन्होंने पार्शियल रीइन्फोर्समेंट को सबसे बेस्ट माने हैं, तो उसी पर सवाल है, देखते हैं। पार्शियल रीइन्फोर्समेंट इज़ मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइन्फोर्समेंट, बिल्कुल सही है। इन्होंने यही बोला था कि पार्शियल रीइन्फोर्समेंट कंटिन्यूअस रीइन्फोर्समेंट से बढ़िया है, ठीक है। बाकी लेस इफेक्टिव नहीं है कंटिन्यूअस रीइन्फोर्समेंट पार्शियल। तो 1, 2, 3 नहीं होगा, ऑप्शन 1 नंबर सही होगा। आगे, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रेन आर लाइकली टू हैव, जिसका हड्डी का प्रॉब्लम होता है वो बच्चों में क्या देखा जाता है? उनमें लिखने का प्रॉब्लम होता है यानी डिसग्राफिया होता है। तो ऑप्शन 1 सही है। बाकी डिस्थेमिया किससे रिलेटेड है? ये आपका डिप्रेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन 2 जो दिया है। और कैलकुलिया कैलकुलेशन है, डिसलेक्सिया है रीडिंग से। एडोलेसेंट क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि समाज में जो भी मतलब कभी एडोलेसेंट स्टेज में कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा अच्छा है कभी ख़राब है, तो वो टेंशन में रहते हैं यानी एंग्जाइटी में रहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही होगा। वैसे एडोलेसेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेज बताए, जैसे इरिक रिक्सन के हिसाब से 12 से 18 होता है एज, और जिन प्याजी के हिसाब से 11 प्लस, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन यहाँ फीलिंग अबाउट सिचुएशन नहीं होगा, उसके बाद फीलिंग ऑफ फेयर कमिटेड इन चाइल्डहुड ये भी गलत है, 1, 3 और 4 गलत है। और सेल्फ एक्चुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मेस्लो ने दिए थे अपने हायरार्की थ्योरी में मोटिवेशन का, उन्होंने 5 दिए थे, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुलाइजेशन, ठीक है। तो वो भी नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही होगा। आगे, 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। मोटर स्किल दो प्रकार का होता है, एक फाइन और ग्रॉस। फाइन में क्या होता है? स्मॉल बॉडी मूवमेंट होता है, और ग्रॉस में लार्ज बॉडी
मोमेंट। तो स्मॉल बॉडी मोमेंट का एग्जांपल कौन सा है? राइटिंग। बाकी यहाँ पे रनिंग हॉपिंग और क्लाइंबिंग ग्रोस मोटर का एग्जांपल है, ठीक है। आगे वाइगोत्स्की थ्योरी एम्प्लाई। वाइगोत्स्की थ्योरी क्या दिए थे? सोशियल कल्चर थ्योरी दिए थे। तीन चार टर्म यूज़ किए थे, जैसे कि ZPD, MKO, स्केप होल्डिंग, और तीन चीज़ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए थे, लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी। तो उस तरह देखा जाएगा तो ऑप्शन वन कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा इम्प्लाइज होता है देते हैं, ठीक है, ऑप्शन वन। बाकी यहाँ पे IQ और बाकी यहाँ जो ऑप्शन है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो सबसे पहले जान लेते हैं फोनीम किसको बोलते हैं। फोनीम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? फोनीम। इंग्लिश में फोनीम कितना है? 44। इसमें 20 वोवेल होते हैं और 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट, ठीक है। फोनीम का एग्जाम्पल है ABC, कोई भी हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होना चाहिए, मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि उस मीनिंगफुल हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट वाला तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फीम। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड मॉर्फीम। जैसे केट, बेट, रेट, ये सब है मॉर्फीम। बाकी यहाँ दिया है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, वर्ड का कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग क्या होता है उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। बाकी सेंटेक्स मतलब होता है ग्रामेटिकली करेक्ट, जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं सेंटेक्स, करेक्ट सेंटेंस एज पर ग्रामर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उस हिसाब से मॉर्फीम। यहाँ पे वही पूछा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज। बाकी क्वेश्चन नंबर 11, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर, एक बच्चा 16 साल का है, उसका स्कोर कितना स्कोर करता है? 75 इन IQ टेस्ट। तो उसका MA क्या होगा? तो IQ इक्वल टू क्या होता है? MA/CA, MA/CA इंटू 100 होता है, ठीक है। तो IQ का कितना दिया? 75। बाकी MA निकालना है तो ऊपर होगा, और CA कितना दिया है? 16 दिया है इंटू 100। काटिए इसको, एक कट जाएगा 4 टाइम, एक कट जाएगा 3 टाइम 25 से, और ये 4 जाए 16, तो ये 3 जाए कितना होगा? 12। तो MA इक्वल टू कितना होगा? 12 हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 11 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे IQ आर जनरली डेज कोरिलेटेड विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो IQ रिलेटेड एकेडमिक परफॉर्मेंस से कैसे रिलेटेड होता है? मॉडरेटली होता है, ठीक है। मॉडरेटली होता है, हाईली नहीं होता है, परफेक्टली नहीं होता है, लिस्ट भी नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न। कौन सा इसमें से मोटिवेशन मोटिवेट करेगा लर्निंग के लिए? तो इंटरनल जो होगा मोटिवेशन वही करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं करेगा। मोटिवेशन टू वेट फेलियर ये भी एक्सटर्नल है, और टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी टू डिफिकल्ट टास्क ये भी एक्सटर्नल है। यहाँ पे एक्सटर्नल है, इंटरनल जो होगा पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट इंटरनल होगा, जो कि मोटिवेट करेगा आदमी को लर्न करने के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा 13 नंबर का। 14 नंबर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द फॉलोइंग। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी कौन दिए थे? हावर्ड गार्डनर दिए थे। इनके हिसाब से 9 टाइप का इंटेलिजेंस दिए थे। तो उसका ट्रिक है याद करने का, LLM इसने KSSNE ट्रिक है। तो एल से क्या होता है? लिंग्विस्टिक। एल और एक एल से क्या होता है? लॉजिकल। और एम से म्यूजिकल। के से कैनेस्थेटिक। आई से इंट्रापर्सनल। और एक से इंट्रापर्सनल। और एक एस से क्या होता है? स्पेटियल। एन फॉर नेचुरलिस्टिक। और एक्स से एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। तो 9 प्रकार का इंटेलिजेंस होता है। और उन्होंने बोले थे एवरी स्टूडेंट आर यूनिक, सबका अलग अलग लर्निंग स्टाइल हो सकता है। तो उस लिहाजे से देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू IQ, इसके बारे में वो बात नहीं किया था। बाकी जो ऑप्शन है वो उनसे रिलेटेड है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल थ्योरी जो दिए थे उसके रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हेन दो ट्विन ब्रदर हैं, एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली में अडॉप्ट किए गए हैं और बाकी एक क्या है रिच फैमिली में अडॉप्ट किया गया, तो बाद में एक साल के बाद उनका IQ में क्या डिफरेंस दिखाई पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिक स्टेटस यानी सोशियो इकोनॉमिक रिच फैमिली से कोई यहाँ पे IQ का रिलेशन नहीं है। तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बात जो मैं बोल रहा हूँ वो इससे रिलेटेड है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट IQ। IQ और सोशियो इकोनॉमिक का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 16, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इन अकाउंट द फॉलोइंग। असेसमेंट 2 प्रकार का होता है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग और एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे फॉर लर्निंग का बात दिया है। तो फॉर लर्निंग किस लिए किया जाता है? लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट के लिए किया जाता है, स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, नीड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है जो मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा था, एक्सेप्ट दिया था, तो ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा, ठीक है। आगे 17 नंबर, एन एम्पायरिंग स्कूल विल प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी द मोस्ट इन द टीचर। एक एम्पायरिंग स्कूल टीचर में कौन सा क्वालिटी प्रमोट करेगा?
तो इसमें एक्सपेरिमेंट का टेंडेंसी प्रमोट करेगा, बाकी मेमोरी डिसिप्लिन कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड प्रमोट नहीं करेगा, तो 1 2 3 नहीं होगा, ठीक है। आगे मोनिका जो है एक मैथ टीचर है, राधिका से क्वेश्चन पूछती है और तुरंत आंसर नहीं देने के बाद रुकती नहीं है, डायरेक्ट मोहन के पास चली जाती है। तो इस तरह टीचर जो कर रही है ये क्या दर्शा रहा है, ये टीचर का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दर्शा रहा है, क्योंकि टीचर वेट नहीं कर रही है, चांस नहीं दे रही है, ठीक है, बच्चों को, क्योंकि और डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का कौन ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4, सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप ऑफ द रोल ऑफ फेवरिंग मोहन, ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल, सबसे अच्छा तरीका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए क्या है, टीचर का जो बिहेवियर है उसमें टीचर को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है क्या अच्छी तरह से, बाकी रूल और फीमेल मेल टीचर रिक्वायरमेंट करने से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन 1 3 4 कुछ नहीं होगा इससे। मेटाकॉग्निशन ऑफ टीचर जेंडर बायस बिहेवियर बाय द टीचर ए होने से, यानी यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है 90 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड रेगुलर स्कूल, डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चों के लिए स्कूल में रेगुलर अटेंड करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप रेसिडेंशियल स्कूल ओपन करा सकते हैं, बाकी पैसा देने से और लीगल पनिशमेंट लेने से और रूल बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है बच्चे के लिए स्कूल दूर है इसीलिए वो स्कूल रेगुलरली आ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा 20 नंबर के लिए। 21, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग, इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना होता है, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन कब होगा, जब सब लोग एक साथ रहेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंसिटाइजेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स ये सब रहेगा तो इंक्लूजन होगा, और बाकी कौन सा नहीं होगा एक्सेप्ट पूछा था, तो सेग्रीगेट करने से नहीं होगा, सेग्रीगेशन नहीं करना है, इंक्लूजन में इंक्लूड करना है, ठीक है। आगे द आप स्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द स्कॉलिस्टिक एरिया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द को स्कॉलिस्टिक एरिया कैन बी जस्टिफाइड एज, द आप स्केलिंग परफॉर्मेंस इन द स्कॉलिस्टिक एरिया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द को स्कॉलिस्टिक एरिया कैन बी जस्टिफाइड, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करके, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, वाइल सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट डेस्क डेस शुड बी देयर, तो पोर्टफोलियो एक टूल है, इसको सिलेक्ट करते समय इंक्लूजन स्टूडेंट का इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज डेट, ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज डेट, तो इसका क्या होगा, इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन होगा तो बच्चा लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सीखने के लिए, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। 25 का, ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर द स्टूडेंट बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या करके फन बना सकता है, सब कुछ करके फन बना सकता है, लेकिन परफेक्शन ला के फन नहीं बना सकते, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा, बाकी यहाँ पे इससे बना सकता है, किससे नहीं बना सकता है, ऑप्शन 3 से नहीं बना सकते। 26, लर्नर हु डेमोस्ट्रेट एन अर्नेस्ट डिजायर फॉर इंक्रीज नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंसी आर सेड टू बी, जो लर्नर बहुत ज़्यादा डिजायर होता है नॉलेज इंक्रीज करने के लिए एकेडमिक कॉम्पिटेंसी में, तो उनमें क्या होता है, उनमें मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, मास्टरी ओरिएंटेशन होता है, ऑप्शन ए 1 होगा सही। 27, इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए मॉडल इन्वॉल्वमेंट इन द प्राइमरी क्लास ए टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट प्राइमरी स्कूल में बच्चों में डेवलप करने में प्राइमरी क्लासेस में, तो वो लोग का ग्रुप अपने आप से अलाउ कर देना चाहिए, वो लोग का ग्रुप खुद से बनाएं और अपने ग्रुप में एक्टिविटी करें, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। 28, बेस्ट थीम क्या है नर्सरी क्लास के लिए, तो सबसे पहला फैमिली है जो कि प्राइमरी एजेंट भी है और बेस्ट थीम भी है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ से सही होगा। 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू द ईरोड मेड बाय चिल्ड्रेन, सबसे बढ़िया कौन सा है ईरोड से रिलेटेड, तो ईरोड कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रेन देमसेल्फ देयरफॉर टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट, बच्चा ईरोड खुद से करेक्ट कर सकता है, इसलिए टीचर को ईरोड को करेक्ट नहीं करना चाहिए, वैसे भी बच्चा भगवान आपको मान के चलना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉलमार्क प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है ये पूछ रहा है, तो हर प्रॉब्लम में उसका हिंट दिया होता है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।